हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये डर्ट बाइक प्रोजेक्ट का पार्ट 3 है। ये इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके फ्रंट पोर्शन में आज काम करेंगे। जैसे कि जो फ्रंट का मड गार्ड है एक्सपल्स का हमने मंगाया था, उसकी फिटिंग बनाएंगे। और कोशिश हमें यही करनी है कि पूरी प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग बनाएँ, ताकि जुगाड़बाजी ना लगे कहीं से भी। और इसकी जो फ्रंट नेम प्लेट है उसकी भी हम फिटिंग बनाते हैं। तो कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मड गार्ड को लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लेम बनाना पड़ेगा, जो यहाँ से सीधा आके अंदर से इसे एल शेप में लग जाएगा एक। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम इन दोनों में होल करके यहाँ पे कस देंगे क्लेम में, और उसके नीचे वाले हिस्से में ये चारों बोल्ट कस जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से इसे लग जाएगा, ये चारों होल नीचे आ जाएंगे और दो इसमें कस जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक लोहे का एल चाहिए एंगल। तो मेरे पास ये एक पीस पड़ा है, इसको हम लगाएंगे। ये इस तरीके से आएगा, कुछ अंदर होके ऐसे लग जाएगा। तो चलिए इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं और इसके अंदर मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लेम देख सकते हैं आप, हमने बना लिया कंप्लीट। इसमें जो मार्किंग करी है इसको यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, तो ये फिनिशिंग में आ जाएगा थोड़ा। और ये दो पीस मैंने इसमें वेल्ड करा लिए, छोटा पड़ रहा था। ये मडगार्ड के साइज़ के हमने होल कर लिए मार्किंग करके, और ये वाले। तो चलिए इसको इसमें फिट करते हैं। बोल्ट मैंने लूज़ कर लिए पहले ही, एक बार फिटिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये इसमें फिट हो चुका है, बारी मडगार्ड की। तो ये देख सकते हैं वैसे काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। ये देख सकते हैं आप, इसकी हाइट डिस्टेंस वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। अभी नीचे वाला मडगार्ड हम निकाल देंगे, बाकी फिटिंग देखिए आप, एक नंबर फिटिंग आई है, बिल्कुल सेंटर में। मेन जो है इसके होल का मेजरमेंट है, अगर होल हमने सही जगह करे होंगे तो फिटिंग ऐसी आएगी, अगर होल गलत हो जाएंगे तो फिटिंग तिरछी हो जाएगी इसकी। और सीट अभी आई नहीं है, जब सीट आ जाएगी तो इसकी बॉडी की फिटिंग बनाएंगे। अभी हम इसकी एक आगे की जो नेम प्लेट है उसकी और फिटिंग बना लेते, तो आगे का ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसका देखते हैं क्या करना है, बाकी बताइए कमेंट करके फिटिंग कैसी लग रही है मडगार्ड की। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये बन चुका है फाइनल ब्रैकेट हमारा। ये नीचे से इसमें मडगार्ड की फिटिंग हो जाएगी और यहाँ से ये गाड़ी में फिट हो जाएगा। और ऊपर मैंने दो क्लेम छोटे छोटे और इसमें वेल्ड करा दिए, इससे क्या होगा जो ऊपर की नेम प्लेट हमें लगाना है वो उसमें फिट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने चार नट वेल्ड करा दिया, ताकि हम डायरेक्ट नीचे से कस देंगे, ऊपर से हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका इंस्टॉलमेंट में बताता हूँ कैसे होगा, पहले इसकी और फिटिंग बताऊँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये जो नेम प्लेट है इसके अंदर नीचे चार होल की फिटिंग दी है और दो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर फिट कर देंगे वो क्लैंप, ये वाले जो बटन आते हैं छोटे, इनकी मदद से। बताता हूँ कैसे, ये जो है ऐसे लग जाएगा इसमें, ये देखिए, ये जो होल है इसके अंदर से हम बटन लगा देंगे, ये लग गया एक, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें फिटिंग हो गया। और ये दो जगह से फिट हो गया, काफ़ी है, बाकी इधर भी हम कुछ कर लेंगे। अब ये ब्रैकेट जो है इसके साथ अटैच हो गया, ये अब इसको हम फिट कर देते हैं बाइक में। सिंपल है, ये दोनों बोल्ट लगाना है सामने से। अब ये ऊपर से बचा है बस, तो इसको भी हम कुछ कर देंगे, ऊपर से फिटिंग बना देंगे इसकी। बाकी अब जो है ये मडगार्ड, तो इनकी फिटिंग कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो होल है
इनके अंदर हमें कुछ सपोर्ट डालनी पड़ेगी, वरना ये इसको कसते जाएंगे तो दब जाएंगे और टूट भी सकते हैं। तो हम जो अपने पुराना मडगार्ड इसका खोला है, ये देखिए इस टाइप के कुछ स्पेसर्स इसमें निकलते हैं, मडगार्ड में लगे होते हैं। तो हम ये स्पेसर जो है ना यहाँ डाल देंगे इसमें, तो चार स्पेसर चारों उसमें डाल देंगे और नीचे से ये इसको सपोर्ट दे देगा पूरी। फिर एक वॉशर लगा के इसको टाइट कर देते हैं। चलिए इसको और फिट करते हैं। ये देखिए चार हमने स्पेसर इसमें लगा दिए और ये वही बोल्ट हैं जो हमने मडगार्ड में से खोले हैं, तो यही वाले बोल्ट इसमें आराम से लग जाएंगे। एक बोल्ट लग चुका है, अब इसी तरीके से हम चारों बोल्ट लगा देते हैं इसके। चलिए मैं चारों बोल्ट इसके लगा लेता हूँ फटाफट, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं हो चुकी है इसकी कंप्लीट फिटिंग, बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा। और ऊपर की फिटिंग में बताता हूँ आपको, नीचे से तो हमने फिट कर दी है, वैसे भी हिलने रही है, लेकिन ये जो इसका होल है और ये इस क्लैंप है, इसके अंदर हम केबल टाई से बांध देंगे इस जगह पे भी, ये दोनों जगह। इसमें बोल्ट वोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, हालांकि हम चाहें तो एक क्लैंप बना के इसमें लगा सकते हैं ये वाले बोल्ट से, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, इसमें कोई इतना वेट भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर केबल टाई बांध देंगे, नीचे से बटन हमने लगाई दिए, आपको दिखाया था मैंने। और मडगार्ड की फिटिंग देख लो, जो क्लैंप हमने बनाया था वो कहीं से दिखेगा ही नहीं, ये देखो हल्का सा यहाँ से दिख रहा है, तो जब ये कलर हो जाएगा वैसे भी तो पता ही नहीं चलेगा। ये देख सकते हैं आप साइड से फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर ओरिजिनल फिटिंग की तरह है। नीचे से और दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे से इसे चार बोल्ट लग चुके हैं इसमें, ये देखिए। और गैप वगैरह भी आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है, जैसा इसका होना चाहिए, ना ऊपर है ना नीचे, और टायर के लिए स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल जैसा अपन सोच रहे थे उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है इसकी फिटिंग। आप बताइए कमेंट करके कैसी लगी इसकी फिटिंग, कहीं से कोई इसमें जुगाड़ वगैरह तो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल अलाइनमेंट में एकदम सीधी। सोच रहा हूँ इसको इसी कंडीशन में थोड़ा चला फिरा के देखा जाए, या फिर रेन तो गंदी होगी फालतू में। और एक दो या तीन दिन में हमारा जो पार्सल आ जाएगा उसके बाद हम इसकी फिटिंग बना लेंगे कंप्लीट। तो ये काम धीरे धीरे ही होगा, थोड़ा सा अच्छे से काम करना है तो थोड़ा स्लो ही चलना पड़ेगा हमें। तो मैंने नेम प्लेट निकाल दी, आप लोगों को सोचा दिखा दूँ इसकी फिटिंग एक बार। ये देख सकते हैं ये दोनों क्लैंप है, इसमें रख के बटन लग जाते हैं। हालांकि चाहें तो हम इसमें स्क्रू भी लगा सकते हैं, नीचे से नट लगा के ऊपर से स्क्रू टाइट कर सकते हैं, या बटन भी लगा सकते हैं जैसी अपनी इच्छा हो। और बाकी आप देख सकते हैं फिटिंग अच्छी है इसकी काफ़ी। इनको हम इस पर एक चाहेंगे तो एक या तो हम विनाइल करा देंगे इस पर ब्लैक कलर का, या इसके ऊपर एक स्लीव डाल देंगे ब्लैक कलर की, और सामने से हमारा कवर हो ही जाएगा। तो ये फ्रंट पोर्शन का काम हमारा कम्प्लीट हो चुका है आज। रही टायर की बात, तो ये लास्ट में टायर डल जाएगा और इसका जो कलर वगैरह ये सब लास्ट में होगा। तो मेरा ख्याल है वीडियो यहाँ पर एंड करना चाहिए, आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी बाइक का शौक़ रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।